उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने की विचार संगोष्ठी। आपको बता दें कि दिल्ली रोड स्थित राही होटल में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के मुरादाबाद आगमन पर विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आने वाले चुनाव को बसपा का हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लड़े, तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहां एकत्रित हुए हैं और ये जगह भी छोटी पहुंच गई। हम अयोध्या से और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आगे हम लोग इस कार्यक्रम को ले जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उतना ही उत्साह के साथ में लोग भी बढ़ने का काम कर रहे हैं, हमारा साथ देने का काम कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इससे ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सन 2007 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ में जब 2005 में हम निकले थे आपके बीच में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपके जिले में भी आए थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे इलाहाबाद से शुरू किया था, आगे बढ़ते गए और लोग जुड़ते गए और लोगों खासतौर से ब्राह्मण समाज का, और नतीजा जो निकला वो नतीजा ये निकला कि हमने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। देश व प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिन लोगों ने हमारे साथ में रहे लेकिन जितने जो उनके साथ में चले गए बहक गए वो क्यों बहक गए, ये भी आपको मालूम। उन्होंने झूठे प्रचार, झूठे वादे जो 2014 से करना शुरू किए कि हम तो 15-15 लाख हरेक के खाते में डलवा देंगे, हम तो 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को जो पढ़ लिख करके घूम रहे नौकरी के लिए और उनको हम देने का काम करेंगे, हम इस देश को इतना खुशहाल बना देंगे जहाँ किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, इस तरह के न जाने कितने उन्होंने प्रलोभन दे करके, और फिर खास तौर पर ब्राह्मण समाज को प्रलोभन देने के लिए उन्होंने धर्म को सामने लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम ही तो धर्म के ठेकेदार हैं और हमारे साथ में आओगे तो हम धर्म का काम करेंगे और आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन हुआ क्या, क्या नतीजा निकला, क्या 15 लाख रुपए किसी, जितने लोग यहाँ पर बैठे इतनी सैकड़ों संख्या में किसी को 15 लाख रुपए मिले? नहीं मिले। ये 2 करोड़ नौकरियां मिलने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां तो उन्होंने बाद में मान लिया कि हम नहीं दे रहे, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया उन्होंने, हर साल लेने का काम कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने सारी नौकरियों को, जितनी भी जहां जहां सरकारी नौकरी मिल सकती है, और वो जिसको भी हो, वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, जिसको भी है, जाएगी तो कहां नौकरी मिलेगी? लेकिन नहीं, उनको ये नियत थी कि इनको, हमको बेरोजगारी नहीं, इनको नौकरियों से भी, अच्छे से भी बाहर करना है। तो उन्होंने सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, जितने भी सरकारी संपदा थी पूरे देश की, एक एक करके, और जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, चाहे वो बैंक हो, बैंक को बेचने का काम कर दिया, चाहे रेलवे हो, जहां हर साल 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी उसको भी पब्लिक प्राइवेट में देने का काम कर दिया, उनके जो कुछ चुनिंदा लोग हैं 2-3 जो उद्योगपति हैं उन्हीं के हाथों में देने का काम, एयरपोर्ट दे दिया, एयर इंडिया को देने का काम कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट के हाथ में देने की पूरी प्लानिंग बना ली, और तो और इंश्योरेंस कंपनी को भी कर दिया, जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, जितनी चाहे ONGC हो, कोई भी हो, उसको भी उन्होंने कहा इसको भी हम प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रहे हैं।